राजस्थान की राजनीति में मची उथल पुथल को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का सूरज देश में अस्त हो रहा है, लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एमपी के बाद अब राजस्थान में नेता नाराज चल रहे हैं। विभाग बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि मुझे जो विभाग मिला उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह लोधी को गद्दार कहने वाले मुकेश नायक के बयान पर गृहमंत्री ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर अजय विश्नोई के बयानों पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अजय विश्नोई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात की जाएगी। शब्दावली का जिस तरह का प्रयोग कांग्रेस करती है ना, उसके कारण ही आज देश भर में कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर है। देश में जिस पार्टी का एक छत्र राज था, आज ये स्थिति है कि उसका नेता प्रतिपक्ष 10 साल से लोकसभा में नहीं। आतंकवादियों की भाषा बोलना, 370 का विरोध करना, 35 का विरोध करना, राष्ट्र विरोधी बात करना, कन्हैया कुमार से मिलने जाना, तो ये जयचंदों की उसमें आता है श्रेणी। धोखा देना, कर्जा माफी किसान की नहीं की, ये आता है। अब यही कारण है कि उनकी पार्टी में टूट होती है, लोग उनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कल एक विधायक मध्य प्रदेश में चले गए, 30 का राजस्थान का सुन रहे हैं, जो जैसा बयान आदरणीय पायलट जी का आया है। तो अब इतिहास की वस्तु कुछ दिनों में कांग्रेस हो जाएगी, या तो अपने आप को बदले नहीं लोग बदल लेंगे। सर, चार बड़े विभाग मिले हैं। मुकेश नायक जी का भी बयान, मुकेश नायक जी का एक बयान था, आभार है शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मैं भी पूरी निष्ठा के साथ। सर, प्रद्युम्न सिंह लोधी को लेकर मुकेश नायक का एक बयान आया है कि उन्होंने गद्दारी की है, एक महीने पहले वो पार्टी में आए थे, उनको सब कुछ पार्टी ने दिया, सबने मदद करी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, और ये एकदम इस तरह से छोड़ के जाना उनकी पार्टी के प्रति गद्दारी है। स्वाभाविक रूप से वो सभी की, जो भी छोड़ के जाता है उसके बारे में यही कहते हैं। मुकेश भाई साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अजय बिश्नोई जी, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात की है ये स्पष्ट अभी नहीं हुई है, मैं भी कोशिश करूंगा बात करने की। शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। संसदीय कार्य मुझ पर हिंदुस्तान में सर्वाधिक समय से है, विधि विभाग भी मुझ पर लगभग 10 साल रहा है, जेल नया है, बाकी तो पुराने ही है सबके सब।